ये पोर्टल आदेश करेगा तभी हम मुआवजा देंगे, लेकिन पंजाब सरकार ने तुरंत प्रभाव से किसानों को मुआवजा। किसानों ने आज थाली बजाकर जो है ज्ञापन सौंपने का फैसला लिया है, जो कि आप सीधे सीधे तौर पर देख सकते हैं। तमाम किसान जो है पुलिस प्रशासन के आमने सामने जरूर जो है खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आज का क्या कुछ विषय है। देख लो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जिला सचिवालय पहुँच? हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जिला सचिवालय पहुँच? हम ये कहना चाहूंगे हमारा मुआवजा दिलवाओ सरकार से। हमारी फसलें खराब होगी, मिट्टी में मिलगी, करी कराई हमारी मेहनत है, कुदरत का कहर बरसा बुरी तरीके से और हमें बहुत नुकसान हुआ। हमारी मजदूरी भी मिलने वाली नहीं अब की बार खेती से। तो हम सरकार से ये कहते हैं कि नैतिकता बनती है सरकार की, अगर किसी समुदाय वर्ग का कोई नुकसान होता है प्राकृतिक आपदा से तो सरकार उसकी भरपाई करे। तो हम ये बात लेकर के आए हैं, लेकिन यहाँ का डीसी नहीं मिले हमने और हम 3 दिन से इनकी एजेंसियों को भी पता है। हमने के करनाल में पंचायत की थी परसों किसान भवन में, हमने कहा था डी साहब से बात करेंगे, तो जैसे हमारी आठ डी साहब यहाँ से निकल गए। अब ये बात लेकर आए थे हम बेटा, ये लेके आए ज्ञापन देना था। हाँ ज्ञापन भी देना था, बात भी करनी थी उनसे। उनसे मिले नहीं? ना मिले नहीं। क्या मांगे आप? हमारी मांग है मुआवजा दे दो खराब फसलों का, 25,000 रुपये प्रति एकड़ और ज़्यादा दुआ दो तो तुम वो थारी मेहरबानी। कहाँ कहाँ से किसान पहुँचे आपके साथ? हाँ ये सारे खेतों में बताए, सारे किसान गाँव में बता रहे, पूरे करनाल के किसान है हरियाणा, पूरे करनाल के भी खेतों में भी काम कर रहे हैं। पूरे तो आए ही नहीं, ये भारतीय किसानों के मेन कार्यकर्ता गांव से आए हैं, अभी किसान खेत में भी है। ठीक है ना, आएंगे सभी, आएंगे एक दिन आएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे जो अब तक आप सुनते आ रहे हो, यही बात है कि ये पोर्टल के चक्कर में हमें लेट किया जा रहा है। वो उनका इरादा यही है कि पोर्टल 10 घंटे चलेगा, 10 घंटे बंद रहेगा, इतना वो खेती साफ हो जाएगी। इनको हमारा कुछ रहना नहीं, इन्हें कुछ देना नहीं, बस इनको एक बहाना मिल रहा है पोर्टल का। ये पोर्टल वोर्टल क्या है ये समझ में नहीं आ रहा हमारे। तो पोर्टल क्या है? पोर्टल का कोई मालिक हो तो हमें बता दो भाई। पोर्टल रेगुलर 36 घंटे पोर्टल चलेगा, 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होगा, तो पोर्टल पे विश्वास करें। पोर्टल 2 घंटे चलता है, 4 घंटे बंद रहता है। कोई मालिक है पोर्टल का? हमारे तो जो जमींदार है, हमारे जो किसान है, उनकी 6 महीनों की मेहनत पानी में बह रही है, हम उसके लिए सड़कों पे उतरे। बस हम आज अपना बात रखने के लिए आए थे यहाँ पे, हमें डीसी साहब ही नहीं मिले। ऊपर से आदेश आए कि डीसी साहब है ही नहीं, यहाँ बाहर गए, तो हम इंतजार करेंगे उनका। कोई बात नहीं, हाँ जी ज्ञापन देखिए। पहले तो देखो डीएसपी साहब हमारा पूर्व घोषित कार्यक्रम था, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो प्रशासन की मंशा क्या है। डीसी के हाथ में मुआवजा नहीं है, मुझे पता है इस बात का, लेकिन वो मुख्यमंत्री का दूसरा कान है, वो हमारी बात को सुनकर उनको बताता, हमारी बात उन तक पहुंचती। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का काम ये है, काम उड़ा दंगा फसाद करे तो ये ऑर्डर देगा। सुनो तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट का ये काम है, ठीक है ना। अब डीसी साहब नहीं आओगे हम सड़क जाम करेंगे, ड्यूटी फिर इनकी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। देखो आपके जो SA ब्रांच है, उन्होंने पता इस बात का, उन्होंने हमारे से पूछा था क्या प्रोग्राम है, हमने कहा ये प्रोग्राम है। यहाँ के CID वाले भाइयों ने पूछा क्या कार्यक्रम है, हमारा ये कार्यक्रम है। उन्होंने अधिकारियों को बताया, उनकी हिम्मत नहीं, वो नहीं बताएंगे अधिकारियों को। जब देश का यहाँ का किसान अपना काम छोड़ कर आया तो या डी साहब ने मैसेज करा दिया था, आज मैं हूँ नहीं भाई, आज आइयो कल आज, हम कल आ जाते। हम आगे परेशान कर दिया, सड़क में बैठने के लिए हमारे को मजबूर कर दिया, और अब यहाँ बैठेंगे, हमें भी दिक्कत होगी, खेत में काम चल रहा, लेकिन दिक्कत इस अधिकारी को बहुत ज़्यादा देकर जाएंगे। फिर ये सुन लो बात, दिक्कत उसको भी होगी। अगर हम अचानक आ गए तो हम गलती मानते अपनी, भाई हम अचानक आ गए। कई बार मानसा ऐसा हो जाता है, साहब को
कहीं एकदम जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा सुनो, अच्छा इसको लेना ना देंगे, ठीक है आप नहीं बताओ। ऐसा नहीं भी कोई हम आपसे साहब को हम मुँह छुपाना चाह रहे हैं, आप जो जो मांगे हैं जो जो बात है सारी आप मेरे को वो राइटिंग वाला ज्ञापन दो, शाम तक आपको मैसेज भी आएगा, वो तो गवर्नमेंट तक मैसेज चला गया। जनाब बात ये है, एयू मेरे हाथ में फोन अभी देख लो रहे सारे, मैं एक सेकंड में सीएम पे मेल कर दूँ या खड़ा खड़ा आप। लेकिन जो हमने जो हमारा जो कुछ और दर्द है जिस तरह का हम यहाँ डी सी साहब को बताना था, डी सी साहब ये है ज्ञापन की प्रक्रिया नहीं है यहाँ, ये था हमने तो डी साहब के लिए बतलाना था बैठ कर आराम से प्यार से। डी साहब हमको अच्छी तरीके से जानते हैं, हम उनको जानते हैं, हम तो उससे ये वास्तविकता बताने के लिए आए थे, डी सी साहब ये चल रहा ये हमारे साथ छलावा हो रहा ये बताने के लिए आए थे। अच्छा आप नहीं बताओ कहाँ डी साहब है ना, बताओ ये बता दें। पक्का इरादा तो कच्चा कौन सा रह गया फिर एक बार थोड़ा मामला बता दें आज यहाँ पर प्रधान जी आज करनाल जिला से चले गए भाई अपनी ओलावृष्टि की जो किसानों की हमारी फसल बर्बाद हो रही थी उसके बारे में हमें ज्ञापन देने आए थे, लेकिन कमिश्नर साहब नहीं मिले और जबकि मान साहब ने हमारे भारतीय प्रदेश अध्यक्ष ने 3 दिन पहले ही सूचना दे दी थी, लेकिन ये किसानों के साथ भद्दा मजाक है। और जो ये पोर्टल का जिक्र कर रहे हैं पंजाब में बिगर पोर्टल के उनको गिरदावरी होने लग रही है और भाई 13 तारीख बैसाखी से पहले पहले वो उनको सबको मुआवजा दे देंगे। हाँ लेकिन मैं तो ये कहता हूँ भाई जब हमारी आग लगी हुई ना वो ऊपर से देख लेते सैटेलाइट से तो भाई हमारे ओलावृष्टि की जो दबरी है उसने भी देख सके। हाँ बस ये भी मीटिंग चल रही है, क्या करेंगे प्रधान जी करेंगे जो करेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष एक बार किसानों की सलाह लेके जो भी इनका निर्णय होगा उस पर हम खड़े हैं, यहाँ बैठने के लिए बोला तो बैठ जाएंगे और भाई अपना खड़े रहने के लिए बोला खड़े रहेंगे। सोनू मालप्रिया भारतीय किसान यूनियन पानीपत। एक बार फिर बैठ चुके हैं किसान धरने पर, आप देख सकते हैं किस तरीके से जिला सचिवालय में खाना भी खाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले जो है किसानों को रोका गया, आप देख सकते हैं कि भारी बल के साथ जो है प्रशासन के लोग भी यहां पर मौजूद हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि फिर भी किसान जो है डटे हुए हैं और यहीं पर बैठे हुए हैं, जब तक डीसी साहब को ज्ञापन नहीं दे जाते तब तक जो है यहीं पर किसान बैठे रहेंगे। वोट्स न्यूज़ की इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, धन्यवाद।